का स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि लॉग और एंटी लॉग के ऊपर वीडियो बनाने को, ठीक है, तो ये लॉग कैसे देखते हैं और उसका एंटी लॉग देख के कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई है। आज मैं आप लोगों को एकदम बहुत ही बेसिक ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग को कोई भी मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ भी जो भी आपने सुना होगा वैसा कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस जो भी मैट्रिक्स बताऊंगा तो कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कितना भी बड़ा अगर आप लोग के सामने डिवीजन आ जाता है तो बस आपको उतना याद रखना है, ठीक है, और बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नाउ अभी हम लोग देखते हैं, थोड़े बहुत आपको दो तीन फॉर्मूले बस याद करने पड़ेंगे और जो कि फॉर्मूले आप लोग को अक्रॉस पूरे लॉग और एंटी लॉग में जहां भी यूज होगा तो बस इन तीनों फॉर्मूले से ही आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी लॉग किसी की कैलकुलेशन है, जैसे मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप लोगों को ना सिर्फ ये तीन फॉर्मूले ही यूज करने होंगे और इससे आप लोग सारा आंसर निकाल लोगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो पहले हम लोग समझते हैं लॉग। तो ये जो लॉग होता है ये एक फंक्शन होता है, जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि साइन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और इसके यहाँ पे थीटा या ए बी सी डी कुछ भी लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वैसे ही ये लॉग है, एक ये लॉग, इसको हम लोग लॉग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉग फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन बोलते हैं। और जो भी यहां पे कुछ भी चीज आएगी उसकी लॉग की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सपोज 10 आ गया, एक्स वाई जेड कुछ भी आ गया, इसको हम लोग लॉग की वैल्यू बोलते हैं और ये लॉग फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज क्यों करते हैं? पहली बात तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि ये वेरिएबल x, तो इस वेरिएबल को हम लोग किसी को भी सिंपल बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि समझ लो लॉग अभी m इंटू एन है, तो अभी हम लोग इसको लॉग m प्लस एन लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से? पहले फॉर्मूले से। तो अगर लॉग m इंटू एन मिल गया आप लोगों को, अगर या फिर आप लोगों के सामने m इंटू एन है उसमें अगर आप लोगों ने लॉग लगा दिया तो आप लोग उसको लॉग m प्लस लॉग n कर सकते हो, यानी कि प्लस साइन आप ला सकते हो इस पहले फॉर्मूले से। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग m इंटू एन, अगर मल्टीप्लीकेशन में m इंटू एन आया तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। m की जगह में कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, n की जगह में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही लॉग m अपॉन n, अगर कितना भी बड़ा डिवीजन आ जाए, m की जगह में कुछ भी आ जाए, n की जगह में कुछ भी आ जाए, तो आप उन दोनों को माइनस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। सोचो डिवीजन हार्ड होता है लेकिन सब्सट्रैक्शन इजी होता है डिवीजन के मुकाबले, तो इसके लिए लॉग m और लॉग n आप इजीली ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग के पास पावर आ गई, तो सपोज अगर यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 रेस टू समथिंग कुछ भी, अगर समझ लो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी पावर आ गई, 1000 रेस टू 100 आ गया या फिर 1000 रेस टू 1000 आ गया, तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करते हैं, ये जो भी यहाँ पे पावर रहेगी, जो भी पावर रहेगी उस पावर को आप लोग यहाँ पे ला सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लाया, देखो ये फॉर्मूला होता है, तो लॉग की जो भी पावर रहेगी वो यहाँ पे आएगी और बेस उसका एग्जैक्टली वहां पर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी रहता है वो यहाँ पे आ जाता है, इसके यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो फर्स्ट ये सी फॉर्मूला है, तो ये तीनों फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं। कभी भी मल्टीप्लीकेशन में रहा तो क्या होगा? प्लस होगा। अगर डिवीजन में रहा तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर पावर पे रहा तो पावर यहाँ पे आ जाएगा, वैसे ज्यादातर ये यूज यहाँ पे नहीं होगा, बस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग बड़े से बड़े किसी भी मतलब सॉल्यूशन को, कितना ही बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ जाए, कितना ही बड़ा सब्सट्रैक्शन आ जाए और कितना ही बड़ा डिवीजन आ जाए, आप एक झटके में लॉग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि लॉग की प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने लॉग की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं की है तो आप लोग को लॉग में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर प्रैक्टिस एक बार हो गई तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप लोग जल्दी इसी चीज सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये होती है लॉग टेबल की बुक होती है, ठीक है। ऐसी लॉग आपको परचेस करनी है कहीं कहीं से भी दुकान से या कैसी भी लॉग, उसके अंदर आप कहीं पेज देखेंगे तो लिखा रहेगा लॉगरिथम, ऐसा यहाँ पे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये एंटी लॉग है और ये इधर लॉग लिखा रहेगा। कोई भी लॉग की बुक आप खरीदोगे तो उसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों मिलने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोग को अभी फिलहाल यहाँ के जो भी नंबर्स आएंगे वो आपको नहीं दिखेंगे, तो इसको मैं अच्छे से आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो लॉग है और यहाँ पे इसका पेज इधर एंटी लॉग है। कभी भी जो लॉग होता है, लॉग जो भी होता है लॉग, ठीक है, उसका एग्जैक्ट उल्टा एंटी लॉग होता है, यानी कि कभी भी अगर लॉग का आंसर चाहिए तो एंटी लॉग से मिलता है, ठीक है, और एंटी लॉग का उल्टा लॉग होता है, ठीक है। तो लॉग और एंटी लॉग, जैसे वायरस और एंटीवायरस होता है, वैसे लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है और एंटी लॉग का उल्टा लॉग होता है। चलो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पता रहेगा तो भी चलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन क्या करना, क्या एक्सेल, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कहीं डिवीजन करना है, बस वो ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजीली आंसर निकालते हैं। अब इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आप लोग एक ही बार में नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर लॉग की हेल्प से आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है।
चलो हम लोग देखते हैं। तो पहले इसमें समझते हैं, आप लोग जब अपनी बुक ओपन करोगे उसमें लॉगरिदम में जाओगे तो वहां पे एक साइड में पूरा टोटल डार्क डार्क नंबर लिखा रहेगा, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा डार्क नंबर होगा, ठीक है। और एक साइड क्या होगा, मीन डिफरेंस रहेगा, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन डिफरेंस होगा। तो मीन डिफरेंस की वैल्यू को हमेशा हम लोग को एड करना होगा, क्या करना होगा, एड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग मीन डिफरेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, एड करेंगे, और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें 8704 8704 है, ठीक है। तो इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे, लॉग देखेंगे, क्या देखेंगे, लॉग। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका हम लोग लॉग देखते हैं, लॉग 8704 फिर एक लॉग 8704, ठीक है। तो ये एक लॉगों का लॉग है, हम लोग अभी इसका भी लॉग देखेंगे, इसका भी लॉग देखेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जब भी कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसका लॉग कैसे देखते हैं, मतलब इसका लॉग कैसे देखेंगे, इसका लॉग कैसे देखेंगे। तो अभी लॉग बुक में जाइए और उसमें क्या करना है, अब लॉग बुक में जाने से पहले करना क्या होता है, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 4 है। तो हम लोग को पॉइंट बनाना होगा, अब इसमें कुछ नहीं तो पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी इसका पॉइंट होगा तो एक साइड में हम लोग यहाँ पे पॉइंट इसका बना सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मार्कर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को कहीं भी कुछ भी अगर पॉइंट नहीं दिया है तो उसका हम लोग पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट हो गया। अब हम लोग को क्या देखना होगा कि पॉइंट के पहले कितना नंबर है, तो 4 नंबर है, 4 में से एक माइनस करने का, जितना भी उधर डिजिट रहेगा डिजिट, ठीक है। अपने को इनके वैल्यू से मतलब नहीं कि 8 है 7 है 0, कुछ भी नंबर हो सकता है, हम लोग उसके डिजिट से मतलब है। तो कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 लिखना है, 4 माइनस 1 करने का कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लो पहले, पॉइंट 3 के बाद पॉइंट रखने का। अब यहाँ पे लॉग टेबल में आ जाने का, लॉग में वैल्यू देखनी है 8704, तो जहां पे यहाँ पे साइड में डार्क डार्क लिखा हुआ है, डार्क साइड में यहाँ पे आप देखो कि डार्क साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 87 ना, तो 87 ढूंढिए फटाक से और आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। 87 का 0, तो फर्स्ट वाला नंबर ऊपर देखने का, यहाँ पे क्या लिखा, 87 का 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 87 का हम लोग को 0 देखने का है, 0, और फिर उसका जो मेन डिफरेंस है उसको 4 देखना है, क्योंकि पहला जो डिजिट है 87 फिर 0 का 4 देखना है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट नंबर होगा वो हमेशा मेन डिफरेंस देखना है, यहाँ पे मेन डिफरेंस देखना है, और जो 87 होगा, 87 होगा उसको हम लोग ये डार्क वाले नंबर से देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 87 का 0 का यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 4 कितना आएगा, 2, और जो भी मीन डिफरेंस होगा उसको हम लोग ऐड कर देना है। यहाँ पे फिलहाल कितना आया, 9397 आ गया, आप लोग भी देख सकते हैं। 87 डार्क में देखना है, 0 ऊपर यहाँ पे नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक दिया हुआ है, तो उसमें 0 का कितना है, तो यहाँ पे फिलहाल 9395 लिखा हुआ है, और मीन डिफरेंस 4 में देखोगे तो वहां पे 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लोग को इसमें ऐड कर देना है, तो 9397 हो जाएगा। ये पहले का लॉग मिल गया, सेकंड का देखते हैं अभी, 87 का 04, तो इसका भी सेम आएगा, इसमें कितना डिजिट है यहाँ पे, तो 4 डिजिट है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, इसका भी सेम 9397 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अभी ऐड करेंगे, ये लॉग हम लोगों ने देख लिया, लॉग देखा है, इसको ऐड कर दिए, तो 77 कितना हो जाएगा, 4 9 9 18 हो जाएगा, 18 प्लस 1 9 हो जाएगा, 1 3 3 6, इसका कैरी यहाँ पे 1 आएगा, 3 3 6 प्लस 7 हो जाएगा, 9 9 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 3 3 कितना, 6 प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब ये इसका ये जो भी लॉग को ऐड किया तो ये मिला, फिलहाल ये आंसर नहीं है, ये हम लोग क्या मिल गया, लॉग का एडिशन मिला, यानी जो लॉग है उसकी वैल्यू हम लोग ने देखी और इस वैल्यू का एडिशन मिला है। अब इसका हम लोग अगर एंटी लॉग देख लेंगे तो हम लोग को इसकी आंसर मिल जाएगी। तो अब एंटी लॉग वाले पेज में जाना है, एंटी लॉग के पेज में, और क्या देखना है, एंटी लॉग में हमेशा हम लोग पॉइंट के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, पॉइंट के बाद, जो भी पॉइंट होगा डेसिमल, डेसिमल के बाद का हम लोग को वैल्यू देखनी है। तो डेसिमल के बाद फिलहाल कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 8794 है, तो 87 का 9 का 4 देखना है, तो पॉइंट के बाद 87 का 9 का 4 हम लोग को देख लेना है, तो 9 का 4 कितना है, 7 है, तो यहाँ पे फिलहाल आंसर कितना आ जाएगा, 7575 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 7575 यहाँ पे आंसर मिला। तो आप लोग को चुपचाप 7575 लिख लेना है, ठीक है। और करना क्या है, कुछ भी यहाँ पे करना नहीं, जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट देना है, एक डेसिमल यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 7575 लिखना है, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद एक डेसिमल डालने का, यहाँ मल्टीप्लाई रखना है, और 10^2 यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसको इसके ऊपर लिख देना है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 7.575 × 10^7, ये आपका इतना आंसर मिला, ठीक है। फिर आप चाहो तो इसको रिजोल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फिलहाल इतना आंसर मिल जाएगा, 7575
और 0 0 0, इतना आपको रियल में आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, आप चाहो तो कैलकुलेटर वगैरह से किसी से भी इसको परफॉर्म कर सकते हो, आपको आंसर यही आने वाला है, ठीक है। ये इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप एक झटके में इतना कर सकते हो, बस आपको करना क्या है, इसका लॉग देखना है, ये देखो यहाँ पे लॉग लिखने का पहले, फिर इसका लॉग देखना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ पे ऐड करने का, फिर इसका इस लॉग बुक से आपको लॉग बुक एग्जाम में भी प्रिफर कराई जाएगी, तो ये यहाँ से इसका आंसर देखना है, फिर इसका भी लॉग देखना है। अब लॉग देने के लिए आपको मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बहुत सारे रूल है, वो नहीं भी याद रहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, बस पॉइंट देखने का, अगर पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग बना सकते हैं, पॉइंट 0 लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है, 4 - 1 कर दो, जो भी आया यहाँ 3 लिख दो, पॉइंट और 87 का 0 का 4 देखो, लास्ट वाला डिजिट मेन डिफरेंस में 0 वाला जो नंबर है और 87 लॉग का जो डार्क में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ डार्क लिखा रहता है, ठीक है, वो देखो इतना आएगा, फिर इसका भी फिलहाल उतना ही आएगा, दोनों का ऐड कर दो, ये जो भी आया लॉग आया, लॉग के एडिशन की वैल्यू आई, ठीक है। और फिर इसका एंटी लॉग देख लो तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसको वैसे इसको भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, फिलहाल तो सेम ही नंबर है इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा है, देखो अभी यहाँ पे तो पहला ये है और दूसरा ये है, दोनों का परफॉर्म करना है तो करते क्या है, पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले दोनों का अभी देखो लॉग करना पड़ेगा, तो लॉग लिख लेते पहले 870.4, यहाँ पे तो पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है, 8 log है 870.4। अब यहाँ पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि फॉर्मूला पहला वाला यूज हो रहा है, ठीक है। अब पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा फर्स्ट वाले के लिए या सेकंड वाले के लिए भी, तो फिलहाल फर्स्ट वाले के लिए अभी देखते हैं, फर्स्ट वाले के लिए तो 2.87 का 0 का 4 देखना है, पॉइंट वगैरह सब मतलब नहीं है, लॉग यहाँ पे देखने के लिए 87 का 0 का मीन डिफरेंस 4 देखना है, और मीन डिफरेंस को हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 87 के 0 का 4, यानी कि 87 के 0 का 4, तो 87 का 0 कितना हो गया, 87 का 0 वाला लाइन कॉलम में देखने का, ठीक है, तो 9395 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मीन डिफरेंस 4 है, तो 4 कितना मीन डिफरेंस आया, 2 आया, ठीक है। अब 2 को मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 9395 में 2 ऐड करेंगे तो 9397 हो जाएगा, यानी कि 9397 यहाँ पे आ जाएगा, सेम नंबर। वैसे इसके भी पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, हमेशा -1 करने का, इधर 2 हो जाएगा, 9397 आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को फिलहाल अभी यहाँ पे ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 9 आएगा, 7 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, और ये 2+ carry 1 बचेगा बाद में, 2+2 कितना 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ गया, ये इतना है। अब इसका हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, तो एंटी लॉग भी इसका कितना मिलेगा, अभी क्या देखना है, पॉइंट के बाद कितना है, 8794 है, तो 8794 का एंटी लॉग देखेंगे तो 7575 आएगा, ऐसा लिख लेने का। फिर अब क्या करने का, अब चुपचाप यहाँ पे एक पॉइंट रखने का, यहाँ एक मल्टीप्लाई करने का, 10 लिखने का, और जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, चाहे वो -5 हो +5 हो, वेदर कुछ भी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 कुछ भी आया तो यहाँ पे उसको चुपचाप यहाँ पे ऐसा लिख देने का, पावर में, 10 के पावर में, और यही आपका आंसर है, ठीक है। और ये आंसर कहाँ से मिला, लॉग, ये लॉग हो गया, और ये इसका एंटी लॉग दिखने का, ये पॉइंट के बाद के सारे नंबर का एंटी लॉग दिखने का, यहाँ पे लिखने का, अपने आप एक पॉइंट यहाँ पे देने का, मल्टीप्लाई करना है, 10 लिखना है, और 10 के पावर में जो भी यहाँ पे आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, सेम टू सेम एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे 5 बार होता तो ये 5 बार का मीनिंग होता है -5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता, -5 आ जाता, समझ गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नए नए नंबर्स को भी देखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग डिवीजन देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी डिवीजन के बारे में थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ये तो कैसा एडिशन हो गया, एडिशन के लिए अभी हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, उसके बारे में हम लोग लॉग ट्रिक अच्छे से एकदम समझते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले डिवीजन के बारे में, अगर आप लोग के सामने जैसे कि 4.372 डिवाइडेड बाय 3.372 ऐसा कुछ आ गया, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी डिवाइड कैसे करोगे, तो सिर्फ वही सिंपल सा रूल है, क्या करो, पहले लॉग 4.372, फिर यहाँ पे अभी अपॉन में है, डिवीजन है, डिवीजन में क्या आता है, माइनस, यहाँ माइनस कर दो लॉग, फिर क्या आ जाएगा, 3.372 अपॉन में यहाँ रखो। अब इसको क्या करना है, पहले इसका लॉग देखना है, तो लॉग में आ जाओ, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है पहले लिखना पड़ेगा ना, तो पॉइंट के पहले कितना है, 1 है, 1 - 1 कितना होता है, 0, क्योंकि अपने को हमेशा -1 करना होता है, पॉइंट के पहले जितना भी नंबर रहेगा उसमें से एक माइनस करने का, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1 है, और 1 - 1 क्या होता है, 0, तो 0 हो जाएगा। अब 0. अब 43 का 7 का 2 देखना है, पूरा नंबर देखा जाता है,
तो 43 का डार्क में देखो 43 कितना दिया हुआ है, 43 का 7 का 2, तो 43 का 7, 7 का 2 देखना है हम लोग को, तो 6405 आया 7 में और 2 देखा तो कितना उसका मीन डिफरेंस मिला, 2 मिला, तो 6407 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6407 आ गया। अब वैसे ही हम लोग इसका भी देखते हैं, तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट, 1 डिजिट, 1 माइनस 1 0, 33 का 7 का 2 देखते हैं, तो 33 का 7 का 2 देखते हैं, 2 कितना मिला, 3 मिला, तो 5279 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे 5279 आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, चलो इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, तो कितना आएगा आंसर सब्सट्रैक्ट करने में, तो नॉर्मली यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 6 माइनस 5 यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही होता है, ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये अपना अभी लॉग मिला है, क्या मिला है, लॉग की वैल्यू मिली है, इसका एंटी लॉग देखेंगे तो हम लोग एंटी लॉग मिल जाएगा, इसका हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, तो एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में हम लोग चलो इसका देखते हैं अच्छे से, तो कितना मिल जाएगा, पॉइंट के बाद एंटी लॉग देखा जाता है ना, मैंने कितनी बार बताया पॉइंट के बाद एंटी लॉग देखने का, एंटी लॉग पॉइंट के बाद और लॉग पूरे नंबर का देखना है, बस हम लोग को ये पॉइंट के पहले माइनस करके यहाँ लिखा हो जाता है, ठीक है। तो चलो अभी पॉइंट के बाद तो कितना लिखा है, 12 का 2 का 8 लिखा हुआ है, तो पॉइंट का 12 का 2 का 8 देखते हैं, 12 का 2 का 8, तो 8 कितना है 2 है, तो 1 3 2 1 3 2 6 आ गया आंसर, ठीक है। आप लोग जब टेबल एंटी लॉग के टेबल में 12 का 2 का मीन डिफरेंस 8 देखोगे तो मीन डिफरेंस इसका 8 कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 को ऐड कर दोगे तो 1 3 2 4 में 2 ऐड करोगे तो 2 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपको एंटी लॉग मिल गया, अब हम तुमको इसको आंसर कैसे बनाने का, तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट रख दो चुपचाप, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एक अपने से, ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी ट्रिक है और इसको आप लोग अप्लाई करनी है इनटू 10, नहीं तो इसका बहुत आपको मतलब ये हो जाएगा, बस इतना करोगे आपको एक बार में आंसर मिल जाता है ये ट्रिक से, ठीक है। तो 10 रेस्ट यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लिख देना, क्या लिखा हुआ है 0, तो लिख दिया 0। अब इस रियल में हम लोग को पता है कि एनीथिंग रेस्ट टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.326 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग को क्या करना है, डिवाइड भी करना है। लेकिन अभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब 0 point something आएगा तो उसके लिए एक अलग मैंने ट्रिक बनाई है, आप लोग उसके लिए भी थोड़ा बहुत सा मतलब ऐसा कुछ ये करने की जरूरत नहीं होगी, चलो उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। सपोज कोई डिवीजन है और उसमें आंसर दे दिया 0.0046 ऐसा कुछ दे दिया, अपॉन यहाँ पे 0.0246 ऐसा कुछ दे दिया, इसका डिवीजन परफॉर्म करना है, तो अब क्या करना है हम लोग को देखना है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसका ट्रिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ करने का, क्या है यहाँ पे, अब देखो पॉइंट के पहले 0 है, तो कभी भी याद रखना, अगर अभी पहले हम लोग इसका लॉग लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लॉग 0.00460 लॉग 0.02460 ऐसा कुछ हो गया, डिवीजन है तो क्या आएगा आंसर में, माइनस आएगा। अब इसका हम लोग पूरा लॉग देखते हैं, पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, कभी भी पॉइंट के पहले 0 आया तो हम लोग को क्या करना है, एक ही बार में माइनस 1 कुछ भी ऐसा कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो बस करना क्या, एक ट्रिक बताता हूं एक ही बार में। तो 0 पॉइंट के पहले अगर 0 आ गया तो फिर हम लोग को पूरा 0 कंसिडर करना है जब तक आपको कोई डिजिट ना मिल जाए। तो देखो पॉइंट के पहले 0 आया तो अभी 1 0 2 0 3 0 मतलब टोटल कितना 0 हो गया, 3 3 0 हो गए, पॉइंट मिल गया वहीं भी वेट कर जाना है, उसके बाद कितने भी 0 रहने दो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट के अगर पहले 0 है तो फिर सारे 0 कंसिडर करने का, तो यहाँ पे टोटल कितना 0 है, 3 0 है टोटल, तो यहाँ पे 3 बार लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो, 3 बार मतलब क्या होता है, -3 होता है एक्चुअली, ठीक है, 3 बार लिख दिया, पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 46 का 0 पे लॉग देखेंगे, क्या देखेंगे, 46 का 0, तो 46 का 0 देखा तो कितना मिला, 6628 मिला, क्या मिला, 6628 मिल गया। सिमिलरली इसका भी देखना है, तो पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, अब 0 आ गया तो फिर पूरा 0 कंसीडर करना है, तो 1020 मिल गया और एक डिजिट मिल गया, डिजिट मिल गया वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे फिर कितना भी 0 रहने दो, 2 के बाद से कितना भी 0 आ जाए उसको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो 0 के अगर पॉइंट के पहले 0 आया, इसके पहले क्या आ रहा था, पॉइंट के पहले नंबर कोई भी आ रहा था, 4 आ गया, 6 कुछ भी ऐसा 2 2 नंबर सपोज आ गया, तो हम लोग क्या करते थे, 2 - 1 = 1 और फिर 1 पॉइंट आगे जो भी लॉग दिखते थे, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट के पहले 0 आ गया तो फिर हम लोग को सारे 0 कंसीडर करना है जब तक कोई भी नंबर यहाँ पे ना मिल जाए, कुछ भी ना मिल जाए ऐसा नंबर, ठीक है। तब तक अगर यहाँ पे 3 0 है तो टोटल 3 0 हो गया, यानी कि 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 बार हो जाएगा, लिख दिया। और फिर यहाँ पे क्या देखा, 24 का 6 का 0 देखना है, क्या देखना है, 24 का 6 का 0, यानी कि 24 कहाँ पे, तो 24 का
सिक्स का जीरो देखना है। अब जीरो तो है ही नहीं तो मत देखो, जो चीज दी नहीं है आगे तो देखने का नहीं। सपोज अगर यहाँ पे जीरो होता ही ना तो 24 का सिक्स देख लो, बस हो गया। ठीक है, तो 24 का सिक्स देख लिया तो कितना हो गया, 3909 आया, 3909 आया। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस, ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसको यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। ठीक है, और अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा देख लो। तो पहले क्या लिखा हुआ है, 3 बार यानी कि माइनस 3, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर ये माइनस बड़ा वाला साइन माइनस, फिर क्या हुआ, ब्रैकेट लगा और ये माइनस 2 है तो माइनस 2 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर, माइनस 1। माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बार, ऐसे लिख दिया। अब हम लोग, ये हम लोग को लॉग मिल गया, लॉग मिल गया तो इसका एंटी लॉग देख लेते हैं। तो एंटी लॉग देखते हैं, क्या देखेंगे, पॉइंट के बाद जो भी लिखा है उसका एंटी लॉग देखने का। 26 का 1 का 9 देखेंगे, क्या देखेंगे, 26 का 1 का 9 कितना है, 4 है इसका मेन डिफरेंस, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। जब हम लोग इसमें 9 ऐड करेंगे तो 1833 आंसर आ जाएगा हम लोग को, तो 1833 ये मिल गया। अब हम लोग को इससे इसको आंसर बनाना है, तो क्या करने का, चुपचाप पॉइंट यहाँ पे लगाओ, इनटू 10 लिखो और जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, अब 1 बार है तो माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस लिख दिया, यही इसका आंसर है। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 01833 आ जाएगा, क्योंकि 10^-1 क्या होता है, 0.1 होता है, 0.1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1833 होता है। ठीक है, क्योंकि 10^-1 अगर लिखा है इसको आप लोग 1/10 लिख सकते हो, 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 होता है, समझ गया। तो इसका आंसर रियल में इतना आएगा। तो ऐसे आप लोग को सारे के सारे लॉग वैल्यू को सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि सपोज अगर आप लोग के सामने ऐसा कुछ नंबर आ गया, 4, 6.28 ऐसा आ गया, तो पॉइंट के पहले कितना है, 2 है, तो लॉग कैसे देखोगे इसका, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और 46 का 2 का 8 जो भी यहाँ पे आ गया देख लोगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया 0.00 something 28 ऐसा कुछ 282 कुछ आ गया, तो पॉइंट के पहले अगर जीरो है तो फिर सारे जीरो कंसीडर करने का, जब तक कोई नंबर ना मिले। अब देखो यहाँ भी जीरो है ना, तो इसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अपने को एक नंबर मिल गया ना, कोई डिजिट वाला नंबर मिल गया उसको सॉल्व नहीं करने का। तो हमेशा कोई भी नंबर के पहले जितने जीरो है, तो कितने जीरो, 3, चुपचाप 3 बार लिख लो। और फिर 82 का देखो, 82 का इसमें आगे कुछ नहीं, तो सिर्फ 82 का जीरो में देख लो। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो तो होगा ना एटलीस्ट, तो 82 का जीरो हम लोग देख लेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कभी भी अगर नंबर आया, बस पॉइंट के पहले जो भी डिजिट रहेगा उसको माइनस 1 करने का। अगर पॉइंट के पहले जीरो है तो फिर सारे जीरो, अगर सपोज सिर्फ इतना ही आया 0.4620 ऐसा आ गया, तो पॉइंट के पहले कितना है, जीरो, एक जीरो यानी कि 1 बार, क्योंकि आगे तो जीरो ही नहीं ना, यानी कि 1 बार हो जाएगा। और फिर 46 का 2 का जीरो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा लॉग, वो यहाँ पे देख के लिख लो, अगर प्लस माइनस है तो उसके हिसाब से प्लस माइनस कर लो और फिर उसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। फिर इसका एंटी लॉग देख लो तो एंटी लॉग भी आपको मिल जाएगा। एंटी लॉग कैसे मिलता है, तो जो भी एंटी लॉग मिला उसको पहले साइड में लिख लेने का, फिर एक यहाँ पे पॉइंट रखने का, इंटू करके 10^2 जो भी ये पावर आएगा उसको रेस में यानी कि पावर ऑर्डर में लिख देने का, और वही आपका आंसर बन जाएगा, समझ गया। तो ये सबसे बेसिक ट्रिक है लॉग फाइंड करने का, कितना ही बड़ा आपको भी दे दे, आपको कोई भी मेंटिसा वगैरह, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेंटिसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब पता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही बार में लॉग निकाल सकते हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छे से नहीं समझा तो एक आध दो बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो, बार बार जब आप वॉच करोगे सारे एक ही क्वेश्चन को कैसे आंसर निकला है, उस ट्रिक को बार बार आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है बहुत इजी है लेकिन लेंदी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बार बार इसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये ट्रिक पूरा समझेगा। ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।